हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुरुकुल.इन। स्वागत है आपका ये वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम 18 अक्टूबर को हुआ है 2020 का, ठीक है। उसका पूरा ही 40 जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है उसका डिकोडेशन करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन दिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी लगे होंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक थी उस क्वेश्चन के ऊपर, और उसका जो ऑप्शन है वो मतलब उसका अलग था, मतलब उसका आंसर जो है वो अलग था। तो यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है म्यूटेंट वैरायटी कॉफी का। लास्ट ईयर म्यूटेंट वैरायटी पूछा था शुगर केन का आरआरबी में, और इस बार पूछा है यहां पे कॉफी का, ठीक है। तो यहां पे एक कंडीशन थी कि नेचुरल म्यूटेंट का पूछा था, सीधा म्यूटेंट नहीं था, वो नेचुरल म्यूटेंट था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि जिसमें छोटी छोटी कंडीशन थी। तो नेचुरल म्यूटेंट जो था कॉफी का, ठीक है, वो है कतूरा। और ये जो कॉफी बोर्ड्स ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें जो इंपॉर्टेंट वैरायटी दी है, सभी ही इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे ऑप्शन में थी, ठीक है। यहाँ पे कैंट का बताया गया है, S795 का बताया गया, कावेरी का बताया। कावेरी जो है ये क्रॉस है कतूरा और हाइब्रिडो दे तमूर का। तो ये जो है कतूरा, ये एक नेचुरल म्यूटेंट है। कॉफी बोर्ड्स ऑफ इंडिया जो है इसकी साइट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कतूरा है ये एक नेचुरल म्यूटेंट है, और यही क्वेश्चन में नेचुरल म्यूटेंट का पूछा गया था जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो है SLN.9, ये यहाँ पे SLN.9 ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सी डॉर्मेंसी के ऊपर है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हार्मोन है वो इंड्यूस कौन सा करता है और मेंटेन कौन सा करता है। तो मेन डॉर्मेंसी को मेंटेन की बात है, तो इसका राइट आंसर है अब्सेसिक एसिड। अगर यहीं पे ब्रेकर का पूछा होता कि डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, तो होता यहाँ पे साइटोकाइनिन। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनिन जो यहाँ पे बात है, ठीक है, यहाँ पे उसने मेंटेन का पूछा है, तो इसका राइट आंसर है अब्सेसिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेटॉकिंग का पूछा है यहां पे। मेटॉकिंग बेसिकली आफ्टर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे शूडो स्टेम है, उसे कट कर दिया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि वंच की जो हार्वेस्टिंग कर ली जाती है उसके बाद शूडो स्टेम को कट कर दिया जाता है। और ये स्पेशल प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती है बनाना में, और ये हॉर्टिकल्चर का बनाना का पहला ही मॉड्यूल है, और वहां पे मेटॉकिंग को अच्छे से मेंशन किया गया है। तो यहां पे जो है इसका राइट आंसर है मेटॉकिंग, ठीक है। यहां पे उन्होंने बस हाइट का ये वाला वैल्यू मेंशन नहीं की थी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपने हॉर्टिकल्चर का पहला मॉड्यूल देखा है तो ये आपका हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एयर ब्रीथिंग फिश के ऊपर है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आरआरबी में एयर ब्रीथिंग फिश का आया था, और अभी भी एयर ब्रीथिंग फिश का ये क्वेश्चन एक टाइप से ये कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब घुमा के पूछा है, लेकिन रिपीट है। एक बार एयर ब्रीथिंग का क्वेश्चन जो है वो नबार्ड में था, शायद आरआरबी में नहीं, ये नबार्ड में था। तो चलिए, तो यहां पे ये है कि ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी एयर ब्रीथिंग फिश है, मतलब ये सभी ही एयर ब्रीथिंग फिश है। तो यहां पे कौन सी ऐसी एयर ब्रीथिंग फिश है जिसकी हाईएस्ट डिमांड है मार्केट में, और जिसका सबसे मतलब अच्छा प्राइस मिलता है, और मतलब मार्केट पर्पज से वो हाईएस्ट इंपोर्टेंट यहां पे रख रही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पूरे ही एयर ब्रीथिंग जितने भी जो भी कल्चरेबल स्पीसीज है इंडिया में, तो वो ये वाली है, ठीक है। इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है चना, यहाँ पे स्ट्रेटस विग और स्ट्राइपर म्यूरल, ये इसका राइट आंसर है। इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांड होती है और हाईएस्ट इसका प्राइस होता है। अगर इसके बाद इसकी सेकंड रेस में देखेगी, सेकंड जो मतलब रनर अप है, या सेकंड इसके बाद कौन सा आता है, तो वो है चलारिस वर्टेटिस जो मगूर है ये वाली, और या आप ये कह सकते हो कि हेटीरोपनीटिस ये फोजिल्स, ये इसके बाद है, ठीक है, ये वाली सिंगी, ये इसके बाद है। तो नंबर एक पे ये रहेगी और नंबर दो पे ये दोनों है, ठीक है, हाईएस्ट वाली। लेकिन इसका राइट आंसर है हमेशा हाईएस्ट वाली ही पूछा जाता है। अगर इस टाइप का डाटा होना कि जो बिल्कुल ही आपको न्यू लग रहा हो, कि जो हो कि शायद ये कभी देखा नहीं है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ जाओ, इंपॉर्टेंट ही मतलब इंपॉर्टेंट, और उसका जो हाईएस्ट वाला या लीस्ट वाला ऐसा कुछ ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये लैंड मैप के ऊपर है। मैंने पहले बोला कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पहले कभी नहीं पूछे गए। तो लैंड मैप का ये जो क्वेश्चन है ये पहली बार आया है, और ये कैडास्ट्रल मैप इसका राइट आंसर है। इसमें बेसिकली पूछा क्या था कि ओनरशिप जो है, बेसिकली ये जो कैडास्ट्रल, ये आज की कोई न्यू चीज़ नहीं है, ये मतलब काफ़ी बरसों से यूज़ किया जा रहा है और बहुत सारी कंट्री इसे यूज़ करती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि ऐसा कौन सा मैप है, ठीक है, कि जो डिस्प्ले करता है बाउंड्री ऑफ द सब डिवीजन, जो लैंड की सब डिवीजन है, कोई भी एक लैंड है इसकी सब डिवीजन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सब डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी बाउंड्री को पूरा करता है और लेंथ को पूरा कंपाइल करता है, डिस्क्राइब करता है, और ओनरशिप के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। कि जैसे एक पूरी लैंड है ना,
और इसके ऊपर छोटी ऐसी ऐसी इसकी सब बाउंड्री है, उसमें ये बाउंड्री, ये वाली जो सब बाउंड्री है किसकी है, ये वाला छोटा हिस्सा किसका है। तो ये है, इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है कैडस्ट्रल मैप। इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें उसके अगर पूरी ही हमने डिवाइड किया है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट लैंड की वैल्यू तय कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्स तय कर सकती है कि लैंड के ऊपर टैक्स कितना लगाना है, लैंड का रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगनी है, लैंड का ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उसको अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर करना हो तो लैंड की प्लानिंग कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन करो, यहाँ पे एनवायरमेंट उनको यानी कि प्रोटेक्शन करो। अगर पूरा ही आपके पास डेटा है, सिंपल बात है, सिंपल बोलूँगा, आपके घर का मैप अगर आपके पास है तो आप उसे पूरी तरह से मतलब सेटल कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, बस इसे लीज लाइसेंस कुछ भी आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बाउंड्री जो भी है, वाटर वूटर सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। साथ में यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी मतलब कंपेरिजन कर सकते हैं, ब्रीडिंग पर्पज से भी आप यूज़ कर सकते हो, वाटर जो है वो भी देख सकते हो, मतलब टोटल अगर आपको बाउंड्री पता है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कैडस्ट्रल मैप। चलिए आगे चलते हैं, ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन है। ग्राफ्टिंग में यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मिनेटिंग सीड है वो लेस देन 2 वीक ओल्ड है, ठीक है, कि ग्राफ यहाँ पे देखिए जर्मिनेटिंग सीड है लेस देन 2 ओल्ड है, और इस टाइप की जो है मतलब ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टोन ग्राफ्टिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये हॉर्टिकल्चर का मॉड्यूल नंबर 8 है। यहाँ पे देखिए जो जर्मिनेटिंग स्टोन ग्राफ्टिंग, यहाँ पे एपिकोटल भी इसे बोला जाता है, ये देखिए जर्मिनेटिंग सीडलिंग 8 to 15 डेज, तो वही 2 वीक है। तो छोटा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब उसने क्या मतलब वर्ड जो है वो अलग यूज किए गए हैं, मतलब 2 वीक। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि इसका राइट आंसर है स्टोन ग्राफ्टिंग। चलिए अगला गरबेरा के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जो गरबेरा का है, वैसे तो ये DDA में कवर था, काफ़ी ही DDA में भी ये 37 नंबर मॉड्यूल होगा, तो AFO का ये क्वेश्चन नहीं है, AFO के मॉड्यूल में क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर के भी मतलब अभी इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी जैसे 1 से 2 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर में थे, AFO में पल्सिंग वगैरह, ठीक है, और एक क्वेश्चन और था टर्मिनोलॉजी, ठीक है, अर्बोरिकल्चर वाला, ठीक है। तो अभी देखिए अभी यह गरबेरा का पूछ लिया उसने, हार्वेस्टेड कब होता है, तो हार्वेस्टेड ये होता है द फर्स्ट फ्लोरसेट इज़ फुली ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उसने इनडायरेक्टली पूछी है, देखिए बिफोर आउटर रो, जो आउटर रो हमेशा जो आउटर रो होता है वो फर्स्ट होता है गरबेरा का, तो यहाँ पे क्या है कि जब वो पूरा जिसका फ्लोरसेट है वो ओपन हो जाएगा, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये इंटरनेशनल एक चीज़ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल सीड जो एनालिसिस सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो मतलब किस टाइप का अगर इशू किया जाए कि जो मतलब ऑफिशियली सैंपल या कंट्रीज़ में एनालिसिस या अनदर कंट्री में वो देखा जा सके। कुल मिला के अगर आप समझोगे तो इसमें यह है कि अगर एक कंट्री है, जैसे हम हैं, है ना, हम ऑफिशियली किसी और कंट्री में जा रहे हैं, हम ऑफिशियली किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो इस टाइप का कौन सा हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका जो क्वेश्चन का आंसर मतलब कहने का पूछने का तरीका ये है। तो इसका राइट है जो है वो है ऑरेंज सर्टिफिकेट, जैसे हमारे पास पासपोर्ट होता है ना, इंसान के पास पासपोर्ट होता है, ठीक है, तो सीड के पास यहाँ पे ऑरेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसे वहाँ पे ऑफिशियली मतलब सैंपल के तौर पे देखा जाएगा कि ये ऑफिशियली है, ऑरेंज सर्टिफिकेट बोलते हैं। और इसे ये देखिए कि इसे प्लांट ओरिजिन प्लांट पासपोर्ट भी बोलते हैं, ये भी एक बात नोट डाउन कर लेना कि जो ऑरेंज सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसे ओरिजिनल प्लांट पासपोर्ट बोलते हैं, प्लांट पासपोर्ट। तो एग्जाम में अगर ये भी पूछा जाए ना प्लांट पासपोर्ट किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ऑरेंज सर्टिफिकेट को। तो बाकी भी ये सब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी के भी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी अच्छे से आगे कवर किया जाएगा आगे गुरुकुल के जो आने वाले मॉड्यूल हैं, जो भी RRB में न्यू क्वेश्चन आए हैं उनको गुरुकुल के आगे वाले मॉड्यूल में अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है, ताकि पूरा ही AFO में आप उसका बेनिफिट ले सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, आगे रेटिंग का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा ये माइक्रोबियल प्रोसेस आपको पता होगा, ये नेमरा सुंदा में भी है और गुरुकुल के ये जनरल अवेयरनेस के 8 मॉड्यूल, सॉरी जनरल एग्रीकल्चर का जो मॉड्यूल 8 है वहाँ पे भी है। बहुत ही इजी है कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, ठीक है, उसे बोलते हैं रेटिंग, और ये होती है जूट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा सोयल का, तो यहाँ पे सोयल का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको नेमरा सुंदा में या गुरुकुल का आप जनरल एग्रीकल्चर का मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सोयल जो ट्रांसपोर्ट होती है ग्रेविटी के द्वारा, तो ग्रेविटी के द्वारा होती है उसका मतलब उसे कौन सी सोयल बोला जाएगा,
ठीक है। तो यहां पे चाहे वो लैंडस्लाइड्स है, चाहे वो डाउन स्लोप में ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन ग्रेविटी से हो रही है कुल मिला के, बस इतना समझ लीजिए। अब ग्रेविटी में चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डाउन स्लोप से हो रही है, कैसे भी हो रही है, तो इसको बोलेंगे कोलुवियल सोयल। जो कोलुवियल सोयल जैसे यहां पे देखिए, तो ये होती है ग्रेविटी के बेसिस पे, वाटर के बेस पे अलोवियल सोयल, आइस के बेस पे ग्लेशियल, तो ये सब है। तो राइट आंसर है कोलुवियल सोयल। अगला क्वेश्चन है, दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कॉटन जो पेस्ट है जो कि वेरी डिस्ट्रक्टिव है, वेरी डिस्ट्रक्टिव से आते ही आपके दिमाग में मेरे ख्याल से पिंक बॉलवर्म वैसे तो आ गया होगा, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे भी आ गया होगा, ये यहीं पे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसने एग्जामिनर ने आपको घुमाने के लिए कुछ मतलब दिया है। देखिए, ब्लैकिश ब्राउन मॉथ हुज पिंकिश कैटरपिलर, देखिए बॉर, यहाँ पे पिंकिश वर्ड भी उसने यूज कर लिया है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना कि बच्चे को घुमाने के लिए ना क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ठंडे दिमाग से ऐसे पढ़ गए तो ये वाला देखिए, इमेच्योर बोल आर शेड वेयर, मेच्योर बोल आर डू नॉट ओपन फुली। अगर आपने एंटोमोलॉजी का मॉड्यूल नंबर 5th देखा होगा तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा ही आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि ये देखिए जो यंग बोल हैं, इमेच्योर हैं, ठीक है, ये पूरे ही इनके ऊपर अटैक किया जाता है और ये शेड हो जाते हैं आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। तो जो इमेच्योर बोल्स होते हैं इनके ऊपर ये गिर जाते हैं, ये पूरे ही अटैक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है पिंक बॉलवर्म। लास्ट ईयर अगर एएफओ की बात करें उसमें बॉलवर्म का क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं एंटोमोलॉजी में अगर आप देखोगे तो इस बार जो एग्रोनॉमी की जो ये प्रैक्टिस जो क्रॉप्स हैं उनका कॉटन वगैरह के ऊपर जो है ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान से इसे भी आगे पढ़िएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 15 अक्टूबर को ही अपडेशन दी थी, 4 से 5 दिन पहले सेरिकल्चर की। तो ये क्वेश्चन वैसे एएफओ में भी आया था लास्ट ईयर, ओके। और इस क्वेश्चन में अगर आप 3 जनरेशन का देख लिया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उसका लाइफ साइकिल के ऊपर पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सिल्क वर्म है जो मोर देन 3 जनरेशन है। तो सिंपल है, जो बायोवोलेटाइन होता है ये अपनी लाइफ साइकिल 2 करता है, बायो से देख लो आप, मल्टी से देखो, ठीक है। जो मल्टी वाला होता है ये 8 to 12 साइकिल होता है, मतलब मोर देन 3 पूछा है, दैट मीन्स इसका राइट आंसर है मल्टी वोलेटाइन सिल्क वर्म। ये जो है इसका जो लाइफ साइकिल 2 बार यहाँ पे करवाया जा चुका है, एक तो एंटोमोलॉजी का जो सेरिकल्चर का मॉड्यूल है और एक मिसलेनियस का जो सेरिकल्चर का मॉड्यूल है, वहाँ पे 2 बार कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो ये जो है एक बार फिर से EFO में आगे भी आने के चांस है, तो इसे भी अच्छे से देख ले। वैसे मेरे ख्याल से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों सबके यहाँ पे पता होगा। अगला चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, अगला भी देखिए यहाँ पे छोटी सी ट्रिक देखिएगा। इसने पूछा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑफ प्लांट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड। अब दिखने में ये ईकोलाई लग रहा होगा, ठीक है, ये लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा उसने, प्लांट का वर्ड लगाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। अगर प्लांट ना होता तो ईकोलाई इज द राइट आंसर, बट यहां पे उसने क्या किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, तो इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम इज द राइट आंसर है। तो छोटे छोटे कंडीशन ने इसे आंसर चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल विल्ट का पूछा है, चाहे टोमेटो का पूछ लो, चाहे किसी मैंगो का पूछ लो, किसी का भी पूछ लो विल्ट में, तो चाहे कॉटन विल्ट का पूछ लो। विल्ट का मतलब, अगर आपको विल्ट का सिम्टम पता है, आगे क्रॉप है डज नॉट मैटर, अगर उसमें सिम्टम पूछा है आप ऑप्ट कर जाओगे इजिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है इसके, हाँ, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन इस बार जितने भी RRB के थे उसमें ऑप्शन लंबे लंबे थे, कि ऑप्शन में भी अगर आपको काफ़ी, अगर सॉयल हेल्थ कार्ड का भी क्वेश्चन था ना जो आगे आएगा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे कि मतलब ऑप्शन थे कि मतलब उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए, रैपिड जो विल्टिंग है, ठीक है, डेथ ऑफ द प्लांट विदाउट येलिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ द लीफ, तो ये सही है। ये देखिए, अगर आपने इसका सिम्टम देखा हो तो इसमें ड्राइंग होता है, सिंपल। विल्ट का मतलब ये होता है कि इंटायर प्लांट क्या करेगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ना तो वो कोई ऐसे स्पॉटिंग लीफ करेगा, ना कोई येलिंग करेगा, बस ड्राई हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम विल्ट, चाहे कॉटन है, चाहे टोमेटो है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये इसका है राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा करंट का, 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे करंट के और ये बहुत ईजी थे। यहाँ पे देखिए इसने क्या पूछा था, कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपने परंपरागत कृषि विकास योजना का मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल नंबर 8 होगा या 9 होगा, यहीं पे कुछ होगा, 9 है, इसमें भी देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वैसे वीडियो में अच्छे से बताया होगा आपको एक्सप्लेन करके, कि जो ये योजना है जो स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए ही की गई है, कि ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजर्वेशन, ये सब के लिए की गई है।
ठीक है। और ये जो योजना है ये 2015-16 में इसे सेंट्रल स्पॉन्सर के थ्रू लॉन्च किया गया था। तो परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 साल बाद क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2 साल बाद रिपीट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि द काउ इन हीट, क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, द काउ इन हीट हैज टू बी ब्रीड। यहाँ पे जिसने भी समझने में गल्ती कर दी उसने यहाँ पे प्रोएस्ट्रम लगा दिया होगा जैसे ही उसने हीट वर्ड सुना होगा, क्योंकि प्रोएस्ट्रम में क्या होता है कि काउ हीट में आती है, कि काउ हीट में आती है ये होता है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका राइट आंसर आएगा ओस्ट्रम, ठीक है। ये लास्ट का मॉड्यूल नंबर 3 है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें इसका क्वेश्चन का देखिए कितना इजी था लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी। यहाँ पे पूछा क्या गया था, काउ इन हीट हैज टू बी ब्रीड, तो उसे ब्रीडिंग पर्पज के लिए कौन से फेस में जो है वो एक्यूरेट है, तो डिजायरेबल पीरियड कौन सा होता है, वो होता है ऑस्ट्रम। कि यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज द पीरियड ऑफ डिजायर, ये रेडी होती है मेल को मतलब कंसीव करने में यहाँ पे, तो ये वाला जो है राइट है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला वर्ड यूज किया गया था काउ इन हीट, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोएस्ट्रम भी मुझे उम्मीद है कि लगाया होगा। तो यहाँ पे लेकिन प्रोएस्ट्रम में क्या होता है कि जो हीट है वो मतलब कमिंग इन हीट मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन इस सर्कल में जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है, ठीक है, हीट में आ रही होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा SNF के ऊपर, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन, 3 से 4 या 2 से 3 कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेटिव रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लाइव स्टॉक का 5 मॉड्यूल में भी इसे बताया गया है और ये 25वां होगा लाइव स्टॉक का या 26वां होगा, टेबल में भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। टेबल में याद करना चाहो टेबल में कर सकते हो, एक 5 वाले में सिंपल बताया है और 25 या 26 में इसे कंप्रेस करके ऐसे टेबल में सभी की सॉलिड नोट फैड का बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा है कि इन टर्म ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है, ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ द फूड अल्ट्रेशन जो एक्ट है, ठीक है, ये वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फूड की अल्ट्रेशन एक्ट है उसको प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट बनाई थी, ठीक है, उसमें SNF कंटेंट ऑफ द रिकम्बाइंड जो मिल्क है उसमें कितना मतलब परसेंटेज बोला गया है कितना होना चाहिए, तो वो SNF होनी चाहिए, सॉलिड नॉट फैट होनी चाहिए 8.5%। आंसर इसका राइट है, ठीक है। लास्ट से लास्ट ईयर में खाली डबल टोन का पूछा गया था या टोन्ड का कुछ पूछा गया था, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये हर साल आयरन का ही पूछा जाता है, मैंने कई बार पिछले भी जब वो पेपर को एक्सप्लेन किया है वहाँ पे भी देखोगे कि एग्जामिनर एक पूछ लेता है कि इनमें से माइक्रो का बता दो भाई, और उसमें ऑप्शन में आयरन जरूर होता है। तो आयरन मतलब एक टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला जो है इसका जरूर कीजिए करिए, कहीं भी अगर आप कर रहे हो तो आयरन का जरूर करें, ठीक है। आयरन एक बहुत ही है क्योंकि हर बार ये माइक्रो का सेम एज इट एज ऐसे ही दे देता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला मेहसाना का है कि मेहसाना का जो है ये अब किससे डेवलप की जाती है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया जा चुका है, ये मॉड्यूल नंबर 6 के वीडियो में और मॉड्यूल नंबर 25-26 या कुछ ऐसा होगा या फिर 25 या 26 होगा, उसमें भी ये टेबल में बताया गया है कि ये जो है ये मुर्रा और सूरती का जो ब्लड है उसके मिक्सचर से मेहसाना बनी है, ठीक है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में और अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेहसाना। चलिए तो यहाँ पे ये है कि इसकी जो क्रॉसिंग है वह है मुर्रा प्लस सूरती, ठीक है। इसके नाम से देखिएगा, यहाँ पे इसके नाम से देखिएगा कि मेहसाना में M यहाँ से लिया गया है और S यहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका ये जो है मेहसाना इसका वर्ड पड़ा है। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट का नेम है मेहसाना, गुजरात के बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है ब्रॉलर के ऊपर स्पेस की रिक्वायरमेंट पूछी, यहाँ पे फुल ब्रॉलर का बोला है, फुल ब्रॉलर का 1 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 0.8 से लेके 1 स्क्वायर फीट दिया था, लेकिन इससे कम कुछ भी नहीं था, ठीक है, या तो 5 से बिल्कुल कम था, लेकिन 5 से लेके 1 के बीच कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 0.2 से लेके 5 बोला था, और दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं था कि 0.5 से लेके 1 हो कि कन्फ्यूज हो बच्चे, ऐसा नहीं था, 5 से कम था, ठीक है, और यहाँ 8 से लेके 1 था, तो 8 से लेके 1 इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पे 0.5 से लेके 1 भी होता तो भी इसका ये राइट आंसर होता, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉलर की एज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 18 साल से कम है तो लगभग 0.5 होता है या इसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और उससे लेके 1 यहाँ तक ये वेरी करेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोयल हेल्थ कार्ड का, तो ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज कर गया,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अगर ठीक से अपने आपको पता है तो ही, क्योंकि इसमें नॉट की कंडीशन लगी थी कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सॉयल हेल्थ कार्ड, तो सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए यहां पे नॉट ट्रू कौन सा है, तो नॉट ट्रू में देखिए आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर टू रेक्टिफाई देयर डिफेक्टिव सॉयल। अब देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिंपल समझिएगा, कोई ऐसी कोई सब्सिडी थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हो गया हमारा, यहीं पे हो गया रॉन्ग। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में कहता था सॉयल हेल्थ कार्ड विल इशू एवरी फाइव ईयर, फाइव ईयर होते ही ये गलत, ये दो साल बाद होता है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है कि सॉयल हेल्थ कार्ड कम टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय 2011, तो 2011 से भी नहीं काम कर रहा है जी ये। चलिए, सॉयल हेल्थ कार्ड कम टू प्रमोट द सॉयल, यहाँ पे शायद मेजरमेंट था, ठीक है, वर्डिंग प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट फॉर द इनहेंसिंग न्यूट्रिएंट यूज, तो यहाँ पे यह है कि उसे कोई ऐसा नहीं किया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट का जो मतलब, अब देखिए ऐसा ये टेस्ट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, यहाँ पे सॉयल हेल्थ कार्ड टू प्रमोट सॉयल टेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो ऐसा कोई प्रमोट नहीं कर रहा है कि इसका वो करो और इनहेंसिंग न्यूट्रिएंट यूज, तो ये एक कंफ्यूजिंग था ये और टू में, ये दो आप यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए, लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देखिए, द स्कीम डायग्नोसिस सॉयल फर्टिलिटी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स कि जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो उसमें कमियां हैं, वो चीज कि जो सॉयल की फर्टिलिटी में कमियां हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे डायग्नोसिस करती है और रिकमेंड करती है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिस्ट करती फॉर द टारगेट डिस्ट्रिक्ट। सॉयल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का भी सॉयल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पे देख सकते हो, जिन बच्चों ने पहले कभी देखा है तो वो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्ट कर पाए होंगे, तो ये इसका एक्यूरेट ये आंसर बन रहा था, तो इसका नंबर टू जो है वो इसका एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे रिकमेंड करता है। देखिए इनहेंसिंग आ गया, इनहेंसिंग का मतलब है कि ये खुद कर रहा है, लेकिन ये तो रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कूच हनीड्यू का पूछा है, यहाँ पे ऐसा बोला गया कि उनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसकी वैरायटी कूर्ज हनीड्यू रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, मतलब जिसकी वैरायटी कूर्ज हनीड्यू है, तो इसका राइट आंसर है पपाया, ठीक है, और ये मॉड्यूल नंबर 6 में वैसे भी आपको ये इजीली पता होगा, ये टेबल एंड प्रोसेसिंग टाइप वैरायटी होती है, ये इसका फीचर है कूर्ज एंड हनीड्यू का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है सेलाइन सॉयल के ऊपर, तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था कि इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू सेलाइन सॉयल, तो सेलाइन सॉयल के रिस्पेक्ट में नॉट ट्रू देखोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे, क्योंकि देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसके ऑप्शन बड़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई यहाँ पे सोडियम कंटेंट का बोला है, सेलाइन सॉयल में इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये राइट है। सेकेंड वाला देखिए सेलिनिटी है, ठीक है, वन ऑफ द फैक्ट ऑफ सेलिनिटी इज इट रेंडर लेस वाटर अवेलेबल टू प्लांट, ये भी सही है, ठीक है, कि प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम रहती है, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल ग्रोथ हो प्लांट, ये भी मिलता जुलता है, वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी ग्रोथ का फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ। फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन की अगर बात करें, यहाँ पे एडवर्स कंडीशन यहाँ पे रूट जोन में बात वहीं पे है, ठीक है, कि और थर्ड अगर देखोगे यहाँ पे द सेलाइन सॉयल इज जनरली फॉर्म इन हायर प्रेसिपिटेशन एरिया, ये वाला जो है देखिए हायर प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो ह्यूमिड रीजन हो या ये वाले हो, लेकिन सेलाइन सॉयल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, राजस्थान वगैरह का एरिया है यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है सेलाइन सॉयल, ठीक है, तो ये जो है प्रेसिपिटेशन का यहाँ पे मतलब सही नहीं है, तो जो मतलब क्योंकि प्रेसिपिटेशन वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा या तो ईस्टर्न इंडिया हुआ, हमारा साउथर्न इंडिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इसका यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिश के ऊपर पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे वाला भी जो आपका एफ ओ का एग्जाम आने वाला है ये ही चार नोट कर लेना, और बाकी का भी जो भी यहाँ पे न्यू सोर्सेज या न्यू क्वेश्चन का पैटर्न आरआरबी में यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है कि पेपर बिल्कुल ईजी था, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे यूज़ हुआ है तो वो सारा ही एफ ओ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल बना के आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए नोटिफिकेशन आप जरूर चेक करते रहिएगा, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी माइग्रेटरी फिश है जो कि फ्रेश वाटर में तो रहती है, लिव इन द फ्रेश वाटर, लेकिन ब्रीड उसे साल्ट वाटर में करना पड़ता है, मतलब ब्रीडिंग वो साल्ट वाटर में करेगी, तो ऐसी वाली फिश को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी वाली फिश को बोलते हैं हम काट्राड्रोमस फिश।
अब इसमें क्या होता है कि अगर फ्रेश वाटर में फिश रह रही है, मरीन वाटर में उसे रिप्रोडक्शन बात वहीं पे है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए मरीन वाटर में लेके जाना पड़ेगा या खुद जाएगी, माइग्रेट करना पड़ेगा, तो कार्टराडोमस बोलेंगे उसे। अगर वो मैरीन वाटर में रह रही है लेकिन स्पावनिंग या जो उसकी रिप्रोडक्शन है वो फ्रेश वाटर में होती है तो उसे बोलेंगे एनाड्रोमस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आगे वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो फिश है जो माइग्रेट बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, जिसका कोई रिप्रोडक्शन का कंडीशन नहीं है लेकिन उसे माइग्रेट किया जाता है फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का, कोई ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन के लिए इसे साल्ट वाटर में लेके जाना पड़ेगा और इस कंडीशन के लिए इसे फ्रेश वाटर में लेके जाना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डायाएड्रोमोस। और अगर बोलिए यहाँ पे देखिए, फिश दैट माइग्रेट विद इन मरीन वाटर और सी वाटर, अगर अकेली ही फिश को सीधा ही उसे माइग्रेट किया जाए मरीन वाटर में या सी में तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओशिनोड्रोमस। ये ओशीन ठीक है, हमारे समुंदर के नाम से पता चल रहा है। तो ये चार पांच कंडीशन होती है, और भी होती है यहाँ पे, और भी कई टाइप की यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है फिशरी में, तो ये जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आगे है डिस्क प्लो, इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आया है ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है डिस्क प्लो, ये आपको वीडियो में भी अच्छे से समझाया होगा। ये 7th नंबर मॉड्यूल है, इसमें बेसिकली जो है इसकी जो इसकी ड्राफ्ट शाफ्ट होती है कॉमन शाफ्ट, यहाँ पे देखिए क्या बोला है उसने, डिस्क वर्ड यूज़ कर लिया था। डिस्क वर्ड यूज़ करते ही कि उसकी जो ईच, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट परफॉर्म द हैरोइंग, हैरो वर्ड यूज़ कर लिया, ऑपरेशन बाय मीन ऑफ इट रोटेटिंग स्टील डिस्क, देखिए ये जो है स्टील डिस्क ये रोटेट करेगी ठीक है, हैरो वर्ड यूज़ कर लिया है। और देखिए ईच सेट ऑफ बींग माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट, देखिए ये कॉमन इनकी शाफ्ट है ठीक है, चलिए। और ये जो है ये देखिए ये इसकी कॉमन शाफ्ट है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आगे यहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस का पूछा गया है, आइसोलेशन डिस्टेंस इनमें से किसका कम था, तो यहाँ पे देखिए इस बार ऑप्शन जो है देखिए एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे कपल में दिए गए, जोड़े में दिए गए थे ठीक है, तो पेयर में दिए गए थे, सॉरी पेयर में यहाँ पे दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइस और व्हीट, इसका राइट आंसर है, इसमें 3 मीटर का होना चाहिए ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है आउटक्रॉसिंग का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ऑप्शन में आउटक्रॉसिंग सबका राइट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे यहीं पे आउट ब्रीडिंग होता तो कन्फ्यूज हो जाते बच्चे, लेकिन यहाँ पे बोला गया था आउटक्रॉसिंग, ब्रीडिंग वर्ड यहाँ पे यूज नहीं था ठीक है। 3 क्रॉसिंग थे, क्रिस क्रॉसिंग हो गया, ट्रिपल क्रॉसिंग था, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, बैक क्रॉसिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउट क्रॉसिंग इज द राइट आंसर था क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि अनरिलेटेड प्योर ब्रीड ठीक है, अगर मैटिंग होगी तो अनरिलेटेड प्योर ब्रीड होंगी विद इन द सेम ब्रीड वेयर द एनिमल मैटेड हैव नो कॉमन एंसेस्टर ठीक है, आइदर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज, तो आउट क्रॉसिंग। ये देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट जो है ये आपको लाइन टू लाइन यहाँ से मैच करता हुआ नजर आएगा। तो ये टाइप के जो हैं कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, मतलब 7-8 क्वेश्चन जो बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हैं, इनको आगे ऐड किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये वाले क्वेश्चन को बोलना था कि कौन सा इसमें से सही है। देखिए पहले नॉट ट्रू का पूछा, यहाँ पे करेक्ट बोल दिया तो करेक्ट का पूछ लिया, तो ट्रू भी लिख सकता है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ब्रीडर सीड का पूछा था, तो ब्रीडर सीड है ये गोल्डन येलो जो टैग है इसमें होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक्स से आया है ठीक है, 2 मॉड्यूल हैं गुरुकुल के इकोनॉमिक्स के, न्यू वाली वेबसाइट में उसे मिला है, अब मेरे ख्याल से अपलोड करने वाले, पुराने वाले में अपलोड किए गए थे। तो यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का पूछा है, तो जो परफेक्ट देखिए इन इलास्टिक है तो ईडी इक्वल टू जीरो ठीक है, ईडी इक्वल टू जीरो, और अगर परफेक्ट इन इलास्टिक है तो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी ठीक है, ये इक्वल टू आएगा इन्फिनिटी, तो ये इसका राइट आंसर है, तो इन्फिनिटी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे गॉट डिजीज की मिस्टेटिस जो है उसका सिम्टम पूछा है, इसमें स्वेलिंग इन अडर और चेंजिंग इन मिल्क, ये कॉमन है, ये मेरे ख्याल से आप सभी का राइट हुआ होगा, इजी था क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 25 में बताया गया हुआ है 25 में। आगे बात करते हैं रन ऑफ फार्मिंग, रन ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे फार्मिंग ऑपरेशन की देखें, वेयर एवरी फरो एक्ट एज द मिनिएचर रिजर्व, देखिए अगर हर एक जो फरो है वो मिनिएचर रिजर्व की तरह काम करेगी कि जो एक्सेसिव रन ऑफ है वाटर का उसे रोका जा सके, तो उस लैंड में जितनी भी फरोज होंगी वो सारी ही उसे मिनिएचर ऑफ रिजर्व की तरह काम करेंगी और अपॉर्चुनिटी करेगी सोयल को कि एब्जॉर्ब कर लो वाटर को, जितना हो सके कर लो, जितना यहाँ पे होल्ड होगा उतना ही सोयल एब्जॉर्ब कर पाएगी, सिंपल है।
तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग कभी भी नहीं आएगा, इंटरक्रॉपिंग कभी भी नहीं आएगा। कंटूर फार्मिंग, देखिए कंटूर फार्मिंग, यहाँ पे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि कंटूर फार्मिंग में फ्रो वगैरह यही ये हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लोप वर्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्लोप नहीं था क्योंकि ऐसा, क्योंकि कंटूर फार्मिंग वगैरह में, और रिले क्रॉपिंग ये भी वैसे भी नहीं है कि एक के बाद बड़ा एक के बाद बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि ऐसा किया हो। तो ये देखिए, तो ये तो वैसे ही तीनों कैंसिल थे, कंटूर में स्लोप वगैरह नहीं था, तो इसका राइट आंसर है रन ऑफ फार्मिंग। रन ऑफ फार्मिंग इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें से तीन थे यहाँ पे, और इसमें से ओनली सी बी सी ऐसा करके कुछ दिया गया था। तो ये वाला था कि इसमें से कौन सा पेयर है वो करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी मतलब आगे आएंगे एएफओ में, कि जो उसके ऑप्शन में ऐसा दिया हो, ठीक है। चलिए आगे, हेक्सागोनल क्या है, 115% ज़्यादा होते हैं, ठीक है ये वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया कि फॉरेस्ट्री, फ्रूट ट्री और क्रॉप के जो कंपोनेंट है, अगर ऐसा कुछ कंपोनेंट है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का, तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखिए, तो नाम से पता चल रहा है, देखिए फॉरेस्ट्री से क्या आएगा, सिल्वी आएगा। फ्रूट ट्री से क्या आएगा, हॉटी आएगा, ठीक है। क्रॉप से क्या आएगा, एग्री, ठीक है। तो सिल्वी, हॉटी, एग्री, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, ठीक है ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो है ये है आयरन, इसका आयरन डिफिशियंसी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कैस मतलब कौन सा ऐसा कॉज करता है कि जो येलोइंग ऑफ यंग टर्मिनल लीफ, पहले यंग टर्मिनल लीफ की जो उनकी येलोइंग होगी, लेटर जो है वो इनवर्ड आते हुए ओल्ड लीफ की येलिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन कभी नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कि पुअर ड्रेनेज, अटैक ऑफ लिक्विड, ऐसा कोई दिमाग में आया हो, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी इसका राइट आंसर है। आगे है हेक्साप्लॉयड का पूछा गया है कि आउटक्रॉसिंग, आउटक्रॉसिंग की यहाँ पे कंडीशन थी, हेक्साप्लॉयड का पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि हेक्साप्लॉयड मतलब जो है, और उसमें प्रोपोगेशन है वो आउटक्रॉसिंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अभी तक जो है इसका राइट आंसर है वो वीट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका सी एन रेशो का पूछा है कि सी एन रेशो सब में से लोएस्ट किसका होना चाहिए, और सी एन इसका राइट आंसर है सोयल माइक्रोब्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है विच ऑफ द फॉलोविंग दी, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है आप सबके लिए, कि ये मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बिल्कुल ही हटके हैं, और वो होने भी चाहिए हर एक एग्जाम में, एएफओ में भी आपको ऐसे पेपर मिलेंगे। एएफओ में से आरआरबी में 7-8 मानिए, 10 मान लीजिए, एएफओ में आप 12-15 मान लीजिए, कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बिल्कुल न्यू होते हैं, वो हर एग्जाम में ये देगा। ये एग्जामिनर की आईबीपीएस की एक खासियत है। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ द इंटरक्रॉपिंग ऑन सुपरविजन इंडेक्स ऑफ नीड इन द कंपैरिजन टू द सोल क्रॉप स्प्रेड। तो देखिए इसका जो है कि अगर जो सोल क्रॉप है उससे अगर कंपैरिजन करें, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए कौन सा डिटरमिन, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो यहाँ पे काम आएगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर होता है वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी। ये मेरे ख्याल से किसी ने ही भी नहीं लगाया होगा अगर सही से देखा, क्योंकि वीड वर्ड यूज़ होना यहाँ पे एक अपने आप के लिए वो है कि ये मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जो इसमें वीड लगाएं। तो यहाँ पे जो है इसे वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी बोला जाता है, और इसका राइट आंसर ये होता है कि वीड में जो ड्राई वेट है सोल क्रॉप का, ठीक है, उसमें से माइनस वीड कर दो, ठीक है, क्योंकि हर एक क्रॉप को यहाँ पे वीड बोला जाता है कि कोई भी प्लांट है, और ड्राई वेट इन द इंटर क्रॉप और ड्राई मैटर ऑफ द वीड इन सोल क्रॉप स्टैंड और इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे पिग का क्वेश्चन पूछा गया है कि बोर पिग है जो, ठीक है, कि बोर पिग है उसे यहाँ पे फैटन मतलब मार्केट पर्पज के लिए यूजली यूज किया है, तो कैस्टर्ड जो है उसकी कितनी एज में करेंगे? तो नॉर्मली करेंगे 4-6 वीक में। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे फर्टिलाइजर के ऊपर था कुछ, कि नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फर्टिलाइजर एंड देयर यूज। तो यहाँ पे कुछ ट्रू और कुछ ऐसा ढूंढना था, लेकिन इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी था मतलब इस टाइप से ही मतलब सारा पेपर रहा है कि वो नॉट ट्रू या कुछ ऐसा। तो इसी के साथ हमारा आरआरबी का जो पेपर है वो खत्म होता है। जो भी न्यू पैटर्न है मतलब जो क्वेश्चन नए हैं वो आपके मॉड्यूल में ऐड कर दिए जाएंगे, आप अपना जो नोटिफिकेशन उसको चेक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।